अपने जलाल को पहुंचा तो उसका उसको याद आया कि ये बातें बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ खुदा के पाक कलाम से आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। आपने मेरे साथ रहना, जो बच्चे बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर इस हवाले को खोल कर रखें और इसमें शामिल हों। बड़ी जो खास बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं, वो आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। हवाला कुछ इस तरह से है, मतलब इस तरह से पढ़ा गया है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां दी और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम से आता है और इसराइल का बादशाह है। आमीन। इसराइल का होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, होशाना के नारे लगने लगे। मेरे जो जब तक हम पस मंजर से वाकिफ ना हो, हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। अभी 6 दिन ईद फसा में रहते थे। कितने दिन? 6 दिन ईद फसा में रहते थे। ये ईद फसा ही थी जिसके लिए लोग यरूशलेम में जमा हो रहे थे, लेकिन इन 6 दिनों से 2 दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर, खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में आने पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। और इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे थे कि अभी तो ईद में 6 दिन बाकी थे। सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिन पहले ईद के लिए इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा रश नहीं हो सकता। हर साल ईद आती थी, लेकिन इस बार यरूशलेम में कुछ खास हुआ था। उस एरिया के अंदर कुछ खास बातें हुई थी जिनकी बुनियाद पर ये लोग जमा हुए, और वो वाकया सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना की अंजील में लिखा है। लोगों की इतनी तादाद में जमा होना, होशाना के नारे लगाना और ये कहना ऐ दूतरे सायून, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, ये नबुवत थी। और ये ऐसी नबुवत थी जिसे ज़िकरिया ने नामे बाप की 9वीं आयत में बयान किया और ईद से 6 दिन पहले ये मुकम्मल होती है। हुआ क्या था? खुदाम यीशु मसीह का दोस्त जिसके नाम से आप सब वाकिफ हैं, और ये दोस्त कौन है? लाजर, मरियम और मार्था का भाई। ये बहुत बीमारी से इंतकाल कर जाता और इसके मरने के बाद उस एरिए में एक सदमे का माहौल, एक उदासी। लाजर की मौत से यूं लगता है कि उनका मेल जोल, रहन सहन, लोगों के साथ ताल्लुकात बड़े अहम हैं। और ना सिर्फ वहां के मुकामी लोग बल्कि मजहबी लोग भी मौजूद हैं जो लाजर के अफसोस के लिए आए हुए हैं। ताहाल मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ अभी तक नहीं पहुंचा है। और कई सवालात उठते होंगे, मिसाल के तौर पर कुछ कहते होंगे यीशु मसीह बड़ा अच्छा दोस्त है, वो क्यों नहीं आया अफसोस करने के लिए, वो जनाजे पर क्यों नहीं आया। हो सकता है मरियम और मार्था को और भी तरह के सवालों का सामना हो, और वो सवाल ये भी हो सकता है कि हमने सुना है यायर की बेटी को उसने
जिंदा किया है, उसने नैन के बेटे को जिंदा किया है। क्या लाजर को जिंदा करने के लिए नहीं आ सकता? क्या लाजर को जिंदा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह क्यों नहीं पहुंचे? ये चंद सवाल हैं जो वहां के माहौल में, वहां के माशरे में मौजूद है। और खुदा अजीब काम करने वाला था खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। जब खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पहुंचते वहां पर आते हैं, दोनों बहनों के मिलने से यह पता चल जाता है कि उस घर में, उस माहौल में क्या कुछ हो रहा है। और सवाल यह किया, अगर तू यहां पर होता, यूहन्ना की अंजील 11वां बाब पढ़कर देखें तो वहां पर लिखा है कि मरियम ने यह कहा, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई हरगिज ना मरता। यह कहानी, ये वाक्या एक सच्चा वाक्या है। और इस वाक्य से बहुत से लोग मुतासर हुए। मेरा मकसद लाजर को पेश करना नहीं है, लेकिन पस मंजर में बयान करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग जो होशाना के नारे लगा रही है वो क्यों लगाती है। उसके पीछे खुदा ने बहुत बड़ा काम किया है। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और वहां पर सिर्फ यही कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ। यूहन्ना की अंजील के बारहवें बाब में हम इन बातों को बड़े तफसील के साथ पढ़ लेते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ लेते हैं कि जब ईद भी करीब है और फिर लोग खुदावन यीशु मसीह के बारे में भी जानना शुरू हो चुके हैं, यीशु मसीह के बारे में काफी मालूमात रखते हैं, शागिर्दों के साथ खुदावन यीशु मसीह की एक मीटिंग हुई है, यीशु मसीह के शागिर्द ये फसा खाने से पहले प्लानिंग कर रहे थे एक जगह पे कि कहां इस साल हम ईद फसा मनाएं और किसको हम फसा की ईद के लिए कहे कि वो अपने घर में इसका इंतजाम करे। इस प्लानिंग के दौरान खुदावन यीशु मसीह को एक अजीज खानदान ने दावत दी कि वो अपने शागिर्दों के साथ जब वो यहां पर आए यरूशलेम में तो वो हमारे घर में उतर आए। जब वहां पर गए तो खुदावन यीशु मसीह उस घर में आए तो वहां पर एक खतून आई जिसके हाथ में जटामसी का कीमती इत्र था, खुशबू थी। और यह खुशबू वो यीशु मसीह को गिफ्ट करने नहीं आई, वो शागिर्दों को गिफ्ट करने नहीं आई। और उस एरिया में यह इल्म था कि यूदा इस्करियोती ऐसा शख्स है जो इनके रुपए पैसे को संभालता है। वो जटामसी का इतर यूदा इस्करियोती को देने के लिए भी नहीं आई, बल्कि जब आप बारहवें बाब को पढ़ेंगे तो बारहवें बाब में खुदावन्द यीशु मसीह के इस खाने पर लाजर के जी उठने के बाद जिस घर में वो ठहरे थे, बारहवें बाब की पहली आयत से लेकर जब आप आठवीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहां पर जिक्र मिलेगा। यह खतून अपने आंसुओं से खुदावन्द यीशु मसीह के पांव धोती और अपने बालों से खुदावन्द यीशु मसीह के पांव को खुश करती और जटामसी का वो तेल लगाकर खुदावन्द यीशु मसीह को देखती है। मेरे तो उस इतर से ये पता चलता है, खुदा का बंदा मुकद्दर यूहन्ना अंजील में लिखते हैं कि ये घर जिसमें वो खाना खाने के लिए ठहरे थे वो इतर की महक से भर गया, खुशबू आने लगी। और ये बड़ा कीमती इतर था, उसकी कीमत भी बयान की गई है।
और यूदा इस्करियोती ने ये कहा कि अगर ये इधर बेचा जाता तो 300 दिनार का बिकता और बहुत से गरीबों की मदद हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। ये बातें हो सकता है उस वक्त शिविरों को कड़वी लगी हो, मुश्किल लगी हो, सुनने के लिए तैयार ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे ये बातें कही ताकि वो जान सके कि खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का वक्त जो है वो करीब है। ये तैयारी थी एक तरह से, और ये वो पस मंदिर है जिसकी बुनियाद पर होशाना के नारे लग रहे हैं, होशाना के गीत गाए जा रहे हैं। और ये गीत क्या है कि लाजर को खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया है। और अगर मौजूदा दौर में लाजर का इंटरव्यू किया जाता, उससे पूछा जाता कि तुझे लाजर ने किस तरह से जिंदा किया है, तो इस सारे मंदिर में 11वें बाप में और 12वें बाप में योहन्ना की अंजील में आप लाजर के इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं। और इस इंटरव्यू की बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं कि बेशक लाजर जिंदा हो चुका है, हम इसी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की शोहरत बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी। अगर इंटरव्यू किया जाता तो इंटरव्यू में पूछा जाता कि तुझे किसने जिंदा किया है और आसमान पर जाकर 4 दिन तेरी रूह ने क्या देखा है, तो वह यकीनन मेरा ये ख्याल है, बाइबल मुकदस में नहीं लिखा, मेरा ये ख्याल है कि लाजर ये कहता कि मैंने यीशु मसीह का वो तख्त देखा है जिस पर उसने मुर्दों में से जी उठ कर जाना है और उस तख्त पर बैठना है। आमीन। मेरे जो ये ऐसी बातें हैं जो शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन आप हौसला रखें, दलेर हो, ईमान में मजबूत हो। वो वक्त आने वाला है जब लाजर के साथ हम खुद भी खुदा की सूची को उस तख्त पर बैठे देखेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। मेरे जो यहाँ पर जो खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो लिखा है खजूर की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। मेरे जो ये आम बात नहीं, बड़ी खास बात है कि लोग यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए निकले। हमारे मसीही रिवाज में जब कोई वजीर आजम या कोई सदर या कोई आला मर्तबा रखने वाला शख्स आता है तो हम गुलाब की पत्तियां फेंकते हैं, लेकिन यहूदी माशरे में खजूर की डालियां बादशाह के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस जमाने में बादशाह ऐसा शख्स होता था जिसको तजीबन उसका इस्तकबाल किया जाता था। आज भी दुनिया के अंदर वेलकम का रिवाज कायम है, बहुत सारे लोग वेलकम करते हैं। आप में भी आज खुदा ने यीशु मसीह को बड़े जोशो खरोश से वेलकम किया, बड़े लोगों ने नारे लगाए, बड़े लोगों ने गीत गाए। क्यों गाए हैं? क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे। आप भी उन लोगों के साथ उस हिस्से में शामिल हो गए। आपने जब गीत गाए, नारे लगाए, खजूर की डालियां लहराई, तो इससे आप भी जमाने के लोगों में शामिल हो गए, क्योंकि उस जमाने के लोगों ने खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल किया था। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। एक ऐसा इस्तकबाल आने वाला है। कभी कभी हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मैं भी उस वक्त होता तो मैं भी अपने कपड़े बिछाता, तालियां लहलाता और नारे लगाता उन लोगों के साथ
होशाना मुबारक है जो खुदा के नाम पर आता है। मगर भूले ना, इस बात को ना भूले, वो वक्त दोबारा आने वाला है जब डालियां तो नहीं होंगी हमारे हाथों में, तब हमारे हाथों में कपड़े भी नहीं होंगे, लेकिन हम यीशु मसीह का इस्तकबाल जरूर करेंगे। और कैसे करेंगे? आप वो मुबारक लोग होंगे, आप वो फतेहमंद लोग होंगे जिन्होंने मौत और गुनाह पर फतह पाई होगी। वो बादशाह जो सय्यून में आता है, वो बादशाह आपको ऐसी सलाहियत देने वाला है, वो आपको ताकत देने वाला है ताकि आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। इस बात का यकीन हमें पौलुस रसूल ने थलसे की कलीसिया के नाम को, पौलुस रसूल का खत उसका चौथा बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है, बल्कि 16 आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करें। कैसे करेंगे आप इस्तकबाल? हवा में उड़कर उड़कर। अभी जमीन पर आपने खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल किया है, आपके हाथों में खजूर की डालियां, गुलाब के फूलों की पत्तियां, गुलाब और बहुत सारी चीजें आपके हाथों में इस्तकबाल के लिए आपने इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो वक्त करीब आएगा जब आप पदा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और नारे भी लगाएंगे, नरसिंगे फूंके जाएंगे, और फिर मुकर्रब फरिश्ते की आवाज सुनकर कब्रें खुलेंगी, फजा में एक बहुत बड़ा रश होगा, उसमें कौमें, कबीले, खानदान सब शामिल होंगे, मगर वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो पैगाम इस खजूरों के कवाद पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें जब आपने भी फिजा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करना है। और ये कैसे मुमकिन है कि हम क्या करें कि हम आसमान पर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल कर पाए? खजूर की डालियां भी वहां पर हों और हम खुद भी वहां पर मौजूद हों, और वो ये है कि आप यीशु मसीह को कबूल कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। उन लोगों ने बड़े जोर से ये नारे लगाए कि होशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। उन लोगों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो सिर्फ जज्बाती तौर पर नारे लगा रहे थे कि इसने लाजर को जिंदा किया, और कुछ ही दिनों के बाद वही लोग जो जज्बाती तौर पर नारे लगा रहे थे खुदा यीशु मसीह को दिल से कबूल नहीं किया हुआ था, वो कह रहे थे, चला चला कर बोल रहे थे, इसे शरीफ। उनकी आवाजें पेंतुस पिलातुस तक और हेरोदीस तक पहुंच रही थी कि इसे शरीफ दिया जाए। अगर हम भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ जज्बाती तौर पर नारे लगाते हैं और हकीकत से वाकिफ नहीं, ये सिर्फ नारे को ही जज्बाती तौर पर लगाते हैं जो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दीदा कबूल नहीं करते, जो खुदा यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते हैं, जो उस पर ईमान नहीं लाते हैं। आए मेरे जो अपने सरों को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हमें इस बात की तौफीक देता है कि हम उसके हुजूर आए और खुदा से बरकत पाएं। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा कादिर मुतलक खुदा ने हमें बरकत दी है, हमें ये प्यार किया है कि हम उसका इस्तकबाल कर सके। मेरे जो दुनिया में रहते हुए हम खुशकिस्मत हैं जिन्होंने आज के दिन खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए नारे लगाए, खुश हुए
खजूर की डालियां लहलाई हैं। मेरे जो खुदा मसीह चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में, उसके जलाल और उसकी कुदरत में आगे बढ़ सके। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। जुमायत में से अगर कोई आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहता है तो मौका है कि वो खुदा के जरूर दुआ में मदद और रहनुमाई करे।